दोस्तों आज मैं आप लोगों को कठफोड़वा पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पंछी भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है। इस पंछी को भारत में कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। हुदूद पंछियों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पंछी दिखने में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। इसकी लंबी चोंच की वजह से ये और भी ज्यादा आकर्षक लगता है। ये पंछी अकेले में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से आपको अधिकतर समय ये पंछी अकेला ही नजर आएगा। वैसे तो हुदूद पंछी अन्य पंछियों की तुलना में आकाश में बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, पर इस पंछी का जब तक कूदने और चलने से काम बन जाता है तब तक ये नहीं उड़ता है। ये पंछी इजराइल का राष्ट्रीय पंछी है। हुदूद पंछी कई सालों से यहूदियों के साथ जुड़ा हुआ है। पहले के जमाने में हुदूद पंछी यहूदियों और मुसलमानों के पैगंबर हजरत सुलेमान के लिए जासूस का काम किया करता था। इस पंछी का वजन करीब 46 ग्राम से 90 ग्राम तक होता है। उसके पंख बड़े होते हैं। ये पंछी फरवरी से अप्रैल तक अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला गंदगी और बदबू से भरा होता है। हुदूद पंछी जमीन के नीचे पानी को इस तरह से देख सकता है जैसे हम इंसान ग्लास के अंदर मौजूद पानी को देख लेते हैं। मादा हुदूद एक बार में करीब 5 से 6 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं और शत्रुओं से बच्चे की रक्षा करते हैं। हुदूद पंछी का रंग हल्का सा भूरा होता है और पूंछ पर काली सफेद जिब्रा की तरह पट्टे होते हैं। ये पंछी की चोंच बहुत ही लंबी और धारदार होती है, जिसकी बदौलत ये पंछी जमीन से मिट्टी खोदकर कीड़े बाहर निकालकर खाता है। वहीं ये पंछी बहुत ही आसानी से पेड़ों को कुतर सकता है। ये पंछी थोड़ी देर के लिए भी चुप नहीं होते हैं और लगातार शोर मचाते रहते हैं। इस पंछी का आकार मैना जैसा होता है। नर और मादा दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। तो मैंने आपको हुदूद पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।